आज का हमारा टॉपिक है एथेनॉल। तो देखिए एथेनॉल क्या होता है, ये आपको मैं बता दूँ। 10th क्लास में ये दो कार्बनिक यौगिक है जिनमें से एक क्वेश्चन जो होता है ना ज़रूर आता है, 100% एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है। एक तो एथेनॉल होता है और दूसरा जो होता है एथेनोइक अम्ल होता है। ये दो कार्बनिक यौगिक आपके 10th के सिलेबस में है और इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, 7 मार्क्स में आ जाता है, या 5 में दे देते हैं, 4 मार्क्स में दे देते हैं, या इनसे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक देना हो तो इनमें से आता ज़रूर है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा। तो बात करें एथेनॉल के फॉर्मूले की, तो इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है C2H5OH, C2H5OH। अब इससे एक बात क्लियर हो रही होगी आपकी कि इसमें OH समूह उपस्थित है, ऑल बना हुआ ना, OH समूह उपस्थित है, तो आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि ये जो है अल्कोहल होता है। एथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है ना। और ये जो C2H5 हो गया एथिल, तो लेकिन इसका अगर साधारण नाम की बात करेंगे तो इसका साधारण नाम होता है एथिल अल्कोहल। ये एथेनॉल जो होता है ना इसका IUPAC नाम होता है, और वैसे इसका नाम अगर बात करें तो क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है। ठीक है, देखिए इस एथिल अल्कोहल की अगर बात करें तो इसका उपयोग बहुत जो पेय पदार्थ होते हैं जैसे अल्कोहल, ये पेय पदार्थ शराब हो गया, विस्की होगी, इनके अंदर क्या होता है एथेनॉल आता है। दूसरा क्या हो गया, जैसे कफ सिरप यानी जो खांसी की दवाई होती है, या फिर कोई टॉनिक बनाना हो, या फिर आयोडीन टिंचर होता है, इन ऐसी औषधियों में भी इस एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। ऐसी औषधियों में भी एथेनॉल का उपयोग किया जाता है, और एथेनॉल को किसी भी अनुपात में हम पानी में मिला सकते हैं, आसानी से जल में मिला सकते हैं। चलिए बनाने की विधि देखेंगे इसके, यानी बनाते किस तरह से हैं। वैसे बनाने की इसकी कई सारी विधि है बनाने की विधि, लेकिन मैं यहाँ पर एक विधि आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ एथेनॉल के बनाने की, और सिंपल सी विधि है। हम इसे बना सकते हैं एथिलीन के जलयोजन से, एथिलीन के जलयोजन से। तो देखिए एथिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4। क्या फॉर्मूला होता है, C2H4 होता है। ये एथिलीन हो गया, इसका जलयोजन करा देंगे। जलयोजन का मतलब हो गया जल से अभिक्रिया, यानी H2O से, जिसे हम H2H लिख सकते हैं। तो देखिए तो ये बन जाएगा जलयोजन हो रही है ना अभिक्रिया, ये बन जाएगा डायरेक्ट, मतलब एक योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। ये जल का अणु पूरा इस पर अटैक कर देगा और ये जुड़ जाएगा, C2H5OH बना देगा, यानी ये बन जाएगा एथेनॉल। ये बड़ी सिंपल सी विधि मैंने आपको बताई है एक, तो एथेनॉल बनाने की एथिलीन का जलयोजन करा देंगे जिससे क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। इसके अलावा भी विधि है, एक विधि मतलब अगर औद्योगिक विधि बनानी है यानी औद्योगिक पैमाने पर इसे बनाना है तो किण्वन विधि के द्वारा भी हम इसे बना सकते हैं, किण्वन विधि से भी बना सकते हैं। देखिए किण्वन विधि से किस तरह से बनाएंगे, किण्वन विधि, फर्मेंटेशन मेथड कहेंगे हम इसे इंग्लिश में। यहां पर किण्वन विधि के द्वारा एथेनॉल बनाने के लिए शर्करा लेंगे, गन्ने की शर्करा। गन्ने की शर्करा का फॉर्मूला होता है C12H22O11। गन्ने की शर्करा का जल अपघटन कराएंगे एंजाइमों के द्वारा या खमीर की उपस्थिति में, ये कहेंगे कि खमीर की उपस्थिति में गन्ने की शर्करा का जल अपघटन कराएंगे। देखिए खमीर में 3 तरह के एंजाइम होते हैं, जाइमेस एंजाइम होता है, इन्वर्टेस एंजाइम होता है, और तीसरा डायस्टेस एंजाइम होता है। तो जब गन्ने की शर्करा हो गई यानी जो सुक्रोज हो गया, ठीक है, जब इसका जल अपघटन होता है तो जल अपघटन होने पर ये एक तो ग्लूकोज C6H12O6 में टूटता है, दूसरा फ्रक्टोज का भी अणुसूत्र ही होगा C6H12O6, यानी पहला जो टूटा है इसमें ये ग्लूकोज और दूसरा क्या हो गया फ्रक्टोज में टूट गया। अब देखिए
खमीर में क्या होता है, यीस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, यीस्ट कहते हैं खमीर को इंग्लिश में हम। यीस्ट में तीन तरह के एंजाइम मैंने अभी बताया, जाइमेस एंजाइम, इन्वर्टेस एंजाइम, और तीसरा क्या होता है इसमें, जाइमेस एंजाइम होता है, इन्वर्टेस एंजाइम होता है, और एक डायस्टेस एंजाइम होता है, माल्टेस एंजाइम सॉरी। तो देखिए C12H22O11 हो गया, यानी सुक्रोज हो गया। यीस्ट में जो इन्वर्टेस एंजाइम हो गया, इन्वर्टेस एंजाइम के द्वारा ही ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अपघटित होता है। इन्वर्टेस एंजाइम के द्वारा ही ये क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अपघटित होता है। अब इनमें से जो ग्लूकोज हो गया, जैसे C6H12O6 हो गया, C6H12O6, ये फिर आगे अपघटित हो जाता है किसमें, एक तो एथिल अल्कोहल में, किस एंजाइम के द्वारा, यीस्ट में जो जाइमेस एंजाइम हो गया उस एंजाइम के द्वारा, यीस्ट में, यीस्ट का मीन्स हो गया जो खमीर होता है, खमीर में जो जाइमेस एंजाइम हो गया उस एंजाइम के द्वारा, एक तो एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल हो गया C2H5OH, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में ये टूट जाता है, मतलब एथिल अल्कोहल देगा, दो ले लेंगे यहाँ पर। तो देखिए कितने हो गए यहाँ पर, हाइड्रोजन के 5 × 10 और 2 × 12 पूरे हो गए 12, कार्बन के 2 × 4 और 2 यहाँ से हो गए 4 और 2 6 कार्बन के भी हो गए, ऑक्सीजन के देखिए 2 और 2 4, ऑक्सीजन के कितने हुए हैं यहाँ पर, 2 × 4 और 2 6, ऑक्सीजन के भी पूरे 6 हो गए हैं। तो किण्वन विधि से हम इस तरह से बना सकते हैं एथेनॉल को, ठीक है, ये जो बना ना C2H5OH, ये क्या बन गया, एथेनॉल बन गया, ये यहाँ लिख देंगे हम एथेनॉल। तो क्लियर हुई बात, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, किण्वन विधि से जो निर्माण किया जाता है इसका, वो कैसा निर्माण किया जाता है, औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक का मतलब ही हो गया यानी बड़े पैमाने पर इसका निर्माण किया जाता है। और ये जो नीचे मैंने समीकरण लिखे हैं ना, ये किण्वन विधि की है, क्योंकि किण्वन की विधि में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 झाग के रूप में निकलती है, झाग के रूप में निकलती है, ठीक है, यानी बुलबुलों के रूप में निकलती है बाहर को। आई बात समझ में। तो ये थे एथेनॉल के बनाने की विधि, जो मैंने आपको दो विधि बड़ी सिंपल से डिस्कस की है, एक तो एथिलीन के जलयोजन से बना सकते हैं जो हमने यहाँ पर लिखी है, और दूसरा हम क्या बना सकते हैं, किण्वन विधि से हम इसे बना सकते हैं। किण्वन की विधि में होगा गन्ने की शर्करा का जल अपघटन कराएंगे खमीर की उपस्थिति में, तो खमीर में उपस्थित इन्वर्टेस एंजाइम गन्ने की शर्करा को जल अपघटित करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और इस तरह से जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज हो गया, जो जाइमेस एंजाइम हो गया, उसके द्वारा एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है, तो इस से एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल बन जाता है, ठीक है ना। देखिए आगे डिस्कस करते हैं हम इसके एथेनॉल के गुण के बारे में, यानी एथेनॉल के गुण क्या होंगे। तो एथेनॉल के गुण में सबसे पहला तो मैं आपको वैसे ही ओरल बता देता हूं, एथेनॉल जो होता है जल में घुलनशील होता है, जल में क्या होता है, घुल जाता है किसी भी अनुपात में, यानी मिला सकते हो आप इसमें जल, मिला सकते हो तो जल में आसानी से घुल जाएगा एथिल अल्कोहल। आगे इसके गुण देखिए, जैसे सोडियम धातु से क्रिया आ गई इसकी, अब सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से किस तरह का गुण दिखाएगा ये अभी हमें बताना है, सोडियम धातु से क्रिया। तो देखिए जब एथेनॉल की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन H2 गैस बनती है, क्या बनती है, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस H2 बनती है। एथेनॉल का फॉर्मूला अभी हमने लिखेंगे यहाँ पर C2H5OH, एथेनॉल का फॉर्मूला हो गया। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे हम, सोडियम धातु से करा देंगे, सोडियम धातु हो गई यहाँ पर Na, ठीक है, सोडियम धातु से करा रहे हैं। तो मैंने अभी क्या बताया, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड का देखिए फॉर्मूला क्या होगा, C2H5ONa, ये होता है सोडियम एथॉक्साइड। हम कहेंगे एक Na ने इस H को हटा दिया, मतलब C2H5OH के OH समूह से ये हाइड्रोजन हट जाता है इस Na के द्वारा, ये प्लस एच तो खाली निकलता नहीं परमाणविक रूप में बल्कि आणविक अवस्था में निकलता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ना द्विपरमाणु का गैस होती है ये H2, तो इसलिए जब ये H2 निकला है ऐसे दो लेंगे, जब ये दो लेंगे तो Na के भी दो लेने पड़ेंगे हमें, जब Na के दो हो गए तो यहाँ पर भी आ गया ये, इसे क्या कहेंगे हम, सोडियम एथॉक्साइड कहेंगे, सोडियम एथॉक्साइड।
एक सोडियम एथोक्साइड बना और दूसरा क्या बना है इसमें, हाइड्रोजन गैस यानी H2 बन गई है। इसी तरह से अब आ गया नेक्स्ट अभिक्रिया, सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया होगी एथेनॉल की, एथेनॉल की सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन ताप तक अगर हम गर्म करते हैं, लेकिन किसके आधिक्य में, सांद्र H2SO4 के ही आधिक्य में, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के आधिक्य में, मतलब जो अधिक मात्रा लेनी है ना वो सांद्र H2SO4 की लेनी है, ठीक है, और कम मात्रा किसकी लेनी है, कम मात्रा जो लेनी है ना वो एथेनॉल की लेनी है, तो इसलिए कहा जाएगा एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के आधिक्य में 443 केल्विन ताप तक गर्म करने पर क्या बनता है, इथिलीन बनती है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे, इथिलीन बनेंगे, और इस अभिक्रिया में इसका निर्जलीकरण होता है। क्या होता है इस अभिक्रिया में, निर्जलीकरण, मतलब एथेनॉल से जल के अणु बाहर निकलते हैं, निर्जलीकरण की क्रिया में H2SO4 ही भाग लेता है। एथेनॉल का फॉर्मूला हो गया CH3CH2OH, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, C2H5OH है ना, देखिए CH3CH2 यानी हमने इसकी चेन बना के लिख दीजिए, ठीक है, CH3CH2 देखो C2 और H5, दो और तीन कितने हो जाएंगे, पांच, और C और दो, ये C2H5 बन रहा ना, ये ऐसे ही है, तो ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। सांद्र H2SO4 के साथ हम इसे गर्म करेंगे, तो यहाँ लेंगे कॉन्सेंट्रिक, ऊपर लिख लेंगे एरो के ऊपर सांद्र H2SO4, गर्म कर रहे हैं तो ये बना दो इसके ऊपर त्रिभुज सा एक, ठीक है, तो गर्म करने पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका निर्जलीकरण हो जाएगा। अगर हम सांद्र H2SO4 के साथ हम इसे गर्म करें, निर्जलीकरण में इसमें जल के जो अणु हैं वे बाहर निकल जाएंगे, जल के अणु बाहर निकाल दो इसमें से, तो ये बन जाएगा H2O। ये बाहर निकालने के बाद देखिए क्या बच गया इसमें, जब H2O बाहर निकाल देंगे क्या रह गया, यहाँ पर सी के दो रह गए, कुल मिला के रह जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम इसे कहेंगे एथिलीन, या हम इसे लिख सकते हैं C2H4, क्या लिख सकते हैं C2H4, C के दो और H के कितनों के, चार हो गए, जैसे क्या कहेंगे C2H4 कहेंगे, एक H यहाँ से और एक ही OH, तो यहाँ CH2 रह गया था, और फिर आगे जब एक H यहाँ से अटका तो डबल बॉन्ड्स जुड़ जाएगा आकर यहाँ पर, तो ये CH2 बन जाएगा आगे, और H2O, ये H, ये OH, H2O बाहर निकल गया। इस तरह से ये अभिक्रिया हुई है सांद्र H2SO4 के साथ में। अच्छा, अब बात करेंगे एथेनॉल के उपयोग की, तो उपयोग कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग होता है, हालांकि मैं इसके शुरू में भी पढ़ चुका हूँ कि कहाँ कहाँ एथेनॉल का उपयोग होता है। नंबर एक तो हो गया मदिरा, यानी जो शराब होती है या अन्य अल्कोहलीय पेय बनाने में, ठीक है, जो ड्रिंक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। मेथिलेटेड स्प्रिट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, और प्रशीत, ये कह सकते हैं हम इसे एंटी फ्रिज के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, प्रशीतक के रूप में, प्रतिशीत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारी औषधियाँ जैसे कफ सिरप हो गया, ये बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, परफ्यूम वगैरह आदि बनाने में, या स्याही बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, वार्निश बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, विभिन्न कार्बनिक यौगिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसके बहुत सारे उपयोग हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करना था एथेनॉल से संबंधित, ठीक है, जो मैंने बात आपको बताई है ये सारी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छी तरह से कर लेना, एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। कल हम डिस्कस करेंगे एथेनॉइक अम्ल के बारे में, एथेनॉइक अम्ल क्या होता है, ठीक है ना।